महीने हो चुके हैं, लेकिन इसराइल और हमास के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। सारी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बाद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस युद्ध को रोकने के लिए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, भारत को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों की सुरक्षा और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के प्रति लगातार अपना योगदान दिया है। इसके आगे फिलिस्तीनी पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा कहा है कि किसी भी टकराव में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना जरूरी है। इसके अलावा फिलिस्तीन के पीएम मुस्तफा ने अपने खत में पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानवाधिकार और शांति का समर्थक रहा है। मुस्तफा ने पीएम मोदी को समर्थन और एकजुटता के लिए भी धन्यवाद दिया। दरअसल भारत ने पिछले साल यूएन महासभा में रखे गए सीज़फ़ायर प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके कुछ दिनों बाद ही पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत अरब वर्ल्ड में जल्द अमन बहाली चाहता है। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इजरायली प्रधानमंत्री से अच्छी बातचीत हुई, हमने समुद्री सुरक्षा पर भी विचार किया, मैंने उन्हें अरब वर्ल्ड में अमन और मानवीय मदद के बारे में भारत का नजरिया बताया। इसके अलावा भारत ने अलग अलग मौकों पर इसराइल और हमास की जंग में आम नागरिकों की मौत का विरोध किया है। पिछले साल नवंबर में हुए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे समिट में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ने पहले भी 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। हमने हमेशा बातचीत और कूटनीति से मामले सुलझाने पर जोर दिया है। हम इसराइल हमास की लड़ाई में नागरिकों की मौत होने की निंदा करते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि फिलिस्तीन के पीएम के इस प्रयास से युद्ध विराम की बढ़ती मांग को बल मिलेगा। क्या पीएम मोदी इसराइल और हमास युद्ध रोकने के लिए बातचीत करेंगे, और अगर पीएम मोदी एक बार फिर कोशिश करते हैं तो क्या इसराइल पीएम मोदी की बात पर अमल करके युद्ध पर विराम लगाने के लिए कदम बढ़ाएगा। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।